ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मोहिनी किसी पर लगती है तो उसका क्या हाल होता है, किस तरह से वो व्याकुल हो जाता है और रोने धोने के सिवाय उसके पास और कोई काम नहीं होता। एक ऐसा ही केस आज मेरे सामने आया है जिसमें कि एक लड़की के ऊपर मोहिनी की हुई है और उसे ही नहीं पता कि उसके ऊपर मोहिनी कर रखी है, लेकिन वो इतनी व्याकुल हो रखी है कि रोई जा रही है, लेकिन उसको और कुछ ध्यान ही नहीं है। तो आइए मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ। प्लीज मैं गुरु जी, वो मेरा सिर्फ फोन काट पाए गुरु जी, मुझे उसकी आवाज सुननी है, मुझे उससे बात करनी है गुरु जी। प्लीज गुरु जी कुछ तो कर दीजिए, आपके पास तो अनेक शक्ति है, आप कुछ उसका दिमाग किस तरह कर दीजिए, सिर्फ वो मुझसे बात करे, मुझे फोन करे, मेरे लिए तड़पे, मुझे याद करे, मुझे देखने को तरसे, मुझे मिलने को आए। गुरु जी मैं रो रो के पागल हो गई, मेरे पेट में खाना तक नहीं जा रहा गुरु जी, टेंशन के मारे उसे याद कर कर के फिर पागल हो गए, वो इतना पत्थर दिन कैसे हो गया मुझे नहीं पता गुरु जी, अब कोई तो उपाय बताइए, नहीं तो कर दीजिए गुरु जी, आप ही कुछ कर दीजिए। अगर उसका आज फोन नहीं आया ना तो मैं अपने हाथों की नजर काट लूंगी गुरु जी, मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। प्लीज गुरु जी कोई तो उपाय बता दीजिए कि मुझसे बात करे वो प्यार से, प्लीज गुरु जी जल्दी रिप्लाई दीजिए ना जी। तो अभी सुना आपने, मोहिनी लगने के बाद इंसान किस तरह का हो जाता है, उसे अपनी ही सुध नहीं रहती। अगर मोहिनी लगानी है तो जिस पर लगा रहे हो आप उसके साथ रहो, ऐसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मोहिनी लगा सकते हैं और सामने वाला बिल्कुल आपके प्यार में व्याकुल हो जाए। मोहिनी लगाने के लिए आपको इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना चाहिए। ओम काम मालिनी ठम ठम स्वाहा। 11 माला 21 दिनों तक रोज आपको इसकी जाप करनी है। अभी 8 तारीख को जो है ब्लड मून आ रहा है, उस दिन अगर आप इसकी 21 माला जाप कर लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए आप होली, दिवाली, दशहरा और पूर्णिमा, अमावस्या, इन पर इसको सिद्ध कर सकते हैं। यथासंभव जितना हो सके आप इसकी संख्या बढ़ाइए, जाप करते रहिए, तो ये उस दिन सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद 108 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र पढ़कर किसी भी खाने पीने की चीज़ को अभिमंत्रित कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी साध्या है उसको ये खाने के लिए दे दीजिए। ये आपको 3 बार करना है, 3 बार ये खाने की चीज़ में अभिमंत्रित करके देना है, और जैसे ही वो इसको खाएगी हफ्ते भीतर आपको इसका परिणाम दिख जाएगा। वो इतनी व्याकुल हो जाएगी आपके प्यार में कि उसे अपनी ही सुध नहीं रहेगी, बस आप ही का गुणगान करेगी। जब तक आपको देख ना ले तब तक उसको चैन नहीं आएगा। और जो लोग इस तरह से इसका दुरुपयोग करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि तंत्र का दुरुपयोग कभी ना करें। यदि मन में सच्चा प्यार है तभी मोहिनी लगाएं, अन्यथा इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इस तरह से किसी को भी तड़फाना तंत्र में इसकी मनाही है। आपको अगर मोहिनी लगानी है और मोहिनी लग जाती है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके साथ रहें, अन्यथा इस तरह का अगर आप कोई दुष्कर्म करते हैं तो उसमें आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा
9999284-1625, और फोन मत कीजिए क्योंकि एक एक सेकंड में आपके फोन आ रहे हैं। और छोटी मोटी बात है कि गुरु जी दिन कौन सा है, वार कौन सा है, तो आपको पहले ही मैं सारा कुछ वीडियो में बता देता हूँ, तो बार बार ये छोटी मोटी चीज़ें ना पूछा कीजिए। आप बस इस मंत्र को अभी जो 8 तारीख आ रही है उस दिन 11 से 21 माला एक दिन में जाप कर लीजिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद किसी भी चीज़, किसी भी खाने की चीज़ में इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। अभिमंत्रित करना कहते हैं, जैसे आपने सामने आपके खाना पड़ा है तो आप ये मंत्र बोलते जाइए, तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा खाना। इसके बाद आप अपने साध्य को दे दीजिए खाने के लिए। 3 दिन तक आप ये कीजिए तो आपका जो साध्य व्यक्ति है वो आपके अधीन हो जाएगा, उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसा आप कहोगे वो उसके लिए एक ऑर्डर होगा, वो उसको मना नहीं करेगा। तो इस मंत्र को सोच समझ के लगाइएगा, कभी भी किसी का नुकसान अहित करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। और मैं आशा करता हूँ माँ भगवती आपकी इस साधना को पूरा करें, और 8 तारीख को जो ब्लड मून है उस पर जरूर कीजिएगा इसको। धन्यवाद।